Welcome to my channel Science Learning Gateway. I hope you all are doing good. So today in this video we are going to discuss about the fifth day of Navratri. Finally we have reached to the fifth day of Navratri, and on the fifth day of Navratri Skand Mata is worshipped, right? So today we are going to discuss about the story of Skand Mata. माँ स्कंद माता की पूजा क्यों की जाती है नवरात्र के पांचवें दिन में, ये हम जानते हैं आज के वीडियो में. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो. माँ स्कंद माता इज द फिफ्थ अवतार ऑफ दुर्गा एंड इज वर्शिप्ड ऑन द फिफ्थ डे ऑफ नवरात्रि. स्कंदा इज अनदर नेम फॉर लॉर्ड कार्तिकेय. माता मीन्स मदर एंड द स्कंद माता मीन्स मदर ऑफ स्कंदा और कार्तिकेय. एज इन इज क्लियर फ्रॉम द नेम शी इज अनदर फॉर्म ऑफ माँ पार्वती. इन दिस फॉर्म दुर्गा हैज फोर आर्म्स. She holds Kartikeya, Skanda in one hand, holds a lotus in the second and the third hand and the bless her devotees with the fourth hand. She rides a lion and sits on a lotus, due to which she is also called Padmasana. Kartikeya is also known as the Lord Murugna in South India. He is the commander-in-chief of the army of gods. नवरात्र के पंचम दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है. स्कंद माता का रूप सौंदर्य आदित्य आभा के लिए शुभ वर्ण का होता है. वात्सल्य की मूर्ति है स्कंद माता. श्री स्कंद कुमार कार्तिकी की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा है. नवरात्रि के पांचवें दिन इनकी पूजा करने का विधान है. इनके विषय में ऐसी मान्यता है कि जब पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था तब स्कंद माता ने अपने संत जनों की रक्षा के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्ट दानवों का संहार किया था. मान्यता है कि संत स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी है. इनकी साधना करने से भक्त अलौकिक तेज प्राप्त करता है. इसके साथ ही माँ अपने भक्तों के सभी दुखों का निवारण करती है जिनके लिए मोक्ष का द्वार खोलती हैं. माँ का सुंदर रूप इस प्रकार है. देवी स्कंद माता कमल के पुष्प पर विराजित अभय मुद्रा में होती हैं. माँ का रूप बहुत निराला है. उनके रूप में एक अजब प्रकार का तेज होता है. पौराणिक तथ्यों के अनुसार स्कंद माता ही हिमालय की पुत्री पार्वती हैं जिन्हें महेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है. स्कंद माता की चार भुजाएं हैं जिनमें से माता ने अपने दो हाथों में कमल का फूल पकड़ा हुआ है. उनकी एक भुजा ऊपर की ओर उठी हुई है जिसे वह भक्तों को आशीर्वाद देती हैं तथा एक हाथ से उन्हें गोद में बैठे अपने पुत्र स्कंद को पकड़ा हुआ है. इनका वाहन सिंह है. चलिए अब हम जानते हैं नवरात्र से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें. नवरात्र के त्यौहार को हम नवरात्रि के अलावा नवरात्रे, नवरात्र आदि नामों से भी पुकारते हैं. यह त्यौहार हिंदी महीने के अनुसार प्रतिपदा से नवमी तिथि तक मनाया जाता है. नवरात्रि के नौवें दिन को महानवमी के नाम से भी जाना जाता है. हमारे देश में नवरात्रि त्यौहार को मनाने के लिए सभी राज्यों में जगह जगह रामलीला का मंचन होता है और दसवें दिन राम एवं रावण के युद्ध का मंचन करके रावण का वध किया जाता है और रावण के वध की खुशी में अच्छाई पर बुराई की जीत के रूप में बहुत धूमधाम से फटाके इत्यादि फोड़कर उससे मनाया जाता है. नवरात्र के त्यौहार में कुछ लोग व्रत रखते हैं और वे केवल पानी पीकर माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कड़ी पूजा अर्चना करते हैं. जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे 9 दिनों तक केवल पानी पीकर माँ दुर्गा के लिए नवरात्र के लिए व्रत रखते हैं. नवरात्र के त्यौहार को बंगाल में एक अलग तरीके से मनाया जाता है. बंगाल के लोग 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने के बाद उनकी प्रतिमा या मूर्ति को जल में प्रवाहित करके उत्सव मनाते हैं. गुजरात के लोग माँ दुर्गा का पंडाल सजाकर उसमें माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करते हैं और पूरे 9 दिनों तक भजन कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित करते हैं. इसके साथ वे गरबा नृत्य एवं डांडिया का आयोजन करके पूरे नवरात्र उत्सव मनाते हैं. उत्तर भारत में लोग नवरात्र के अंतिम दिन 9 कन्याओं को देवी के रूप में बुलाकर उनको भोजन कराते हैं, उनसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं. नवरात्र में पूजी जाने वाली सभी देवियों में माँ काली के स्वरूप को सबसे उच्च स्थान प्रदान किया गया है. नवरात्र के 9 दिनों तक माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना करने से माँ के आशीर्वाद स्वरूप हमें एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे हम अच्छाई के मार्ग पर आगे बढ़ सके. सो ये थी नवरात्र और माँ स्कंद माता के बारे में एक छोटी सी कहानी. आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी. आई होप यू ऑल गाइज हैव एन्जॉयड दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.